अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया मौज़म एंड वेलकम टू माय प्रोग्राम इंस्पिरेशन बाय आलिया मौज़म। हमारा पहला सेगमेंट जो कि पर्सनल ग्रूमिंग पे है, इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे किसी तक, वो अगले को अंदाज़ा ही नहीं होगा कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। कम्युनिकेशंस का और रिलेशनशिप का भी एक गहरा ताल्लुक है आपस में। अक्सर हमारे रिलेशंस जो हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी ख़राब होते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस लोगों से वो हाई हो जाती हैं। हम लोग समझते हैं कि इनको हमारी बात को समझना चाहिए, जो कि अगला नहीं समझ सकता, और उसकी वजह से हम लोगों के रिलेशंस में ख़राबी पैदा होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। असर्टिव कम्युनिकेशन को आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो वो ये कम्युनिकेशन होती है कि अपनी बात आप अगले तक पहुँचाएँ इन अ वे कि अगले को वो बुरा भी ना लगे और आप एग्रेसिव भी ना लगे। असर्टिव कम्युनिकेशन जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स में बेस्ट कम्युनिकेशन कहलाती है, उसके अलावा देर आर टू कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। एक्चुअली उनको हम स्किल्स तो नहीं कहेंगे, वो हमारी कम्युनिकेशन का एक स्टाइल होता है। उसमें एक आ जाती है पैसिव कम्युनिकेशन और एक होती है पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन। पैसिव एंड पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन का भी आपस में एक रिलेशनशिप है। अब आप कहेंगे जस्ट लाइक अ कोर्स के जो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में पैसिव एंड असर्टिव ये सब बता रही हूँ। बेसिकली इनको बताने का मकसद ये है कि जब आपको मालूम होगा कि कम्युनिकेशन की ये तीन कैटेगरीज हैं, तो इनमें से आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस में फॉल करती हैं। और जब तक आपके पास इनका इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। पैसिव कम्युनिकेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। पैसिव कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा अगले के बारे में सोच रहे होते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगले को कहीं मेरी इस बात का बुरा ना लग जाए। एक्चुअली पैसिव कम्युनिकेशन ड्रॉबैक पे बेस करती है, क्योंकि इसमें आप लोगों की प्रायोरिटीज़ को सोचते हैं और अपने आप को आप पीछे रखते हैं। उसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को पता होता है कि इसने हमसे फालतू में कोई बहस नहीं करनी, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, हम इसको जिस तरह कहेंगे दे विल से कि ओके। तो अब होता क्या है, पैसिव कम्युनिकेशन जो है यही आगे चल के पैसिव एग्रेसिव बन जाती है। वो किस तरह से बनती है, देर इज सम रिजेंटमेंट विच इज़ सिमरिंग इनसाइड यू, तो होता क्या है उससे आप एग्रेसिव हो जाते हैं। और जब आप एग्रेसिव होती हैं तो जिसे हम उर्दू में आसान अल्फाज में कहते हैं कि फट पड़ना, तो फिर आप फट पड़ते हैं और वहाँ पे आके आप अपनी सारी बात का वज़न, आपने जो अगले के लिए अपनी पैसिव कम्युनिकेशन में अगर किसी को लीवरेज भी दिया है, तो वो एग्रेसिव होके आप सारी अपनी बात का वज़न ख़त्म कर देते हैं। अब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, और रिलेशनशिप में हम कम्युनिकेशन स्किल्स का जो इंटरेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है हमारे रिलेशंस, जिसमें खासतौर पे एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि बीवी अपने शौहर से एक्सपेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल कि ये मुझे कहीं, इसने मेरी तारीफ़ नहीं की, ये मुझे रेस्टोरेंट खुद लेके जाए, मैं क्यों उसको कहूँ कि जो है ये करे, या आपकी कोई भी नीड होगी आप कहती हैं कि नहीं मैं खुद से कहूँगी, तो अगला कहेगा कि ये क्या बात है, ये खुद ही अपनी कर रही है, बात कर रही है। तो इस चक्कर में होता है क्या है, उस बेचारे हस्बैंड को पता ही नहीं होता है कि मेरी बीवी किस चीज़ को माइंड करके बैठी हुई है, और वो अपना नॉर्मल अपनी रूटीन होती है, बीवी जो है वो चूंकि उससे डिस्कस नहीं कर रही है, शी हैज़ बीन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड। यही केस हस्बैंड के साथ भी होता है कि ही हैज़ बीन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज वाइफ कि वो इस तरह करे या वो उसकी कोई तारीफ़ करे या कुछ भी करे। उसमें होता क्या है कि आप जो हैं, आपके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। रिलेशनशिप क्या है, हम समझते हैं कि रिलेशनशिप खाली एक आपका बॉन्ड होता है विद योर पेरेंट्स, योर पार्टनर, योर सिबलिंग्स, योर टीचर्स। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक्चुअली रिलेशनशिप आपका आपकी चीज़ों से भी होता है। आपका रिलेशनशिप आपके पेट्स से होता है, आपका रिलेशनशिप आपके घर से होता है, आपका रिलेशनशिप आपके बेड से होता है कि जहाँ पे आपको नींद आती। अक्सर लोगों के साथ ये इशू होता है कि हम कहीं जाते हैं तो वो उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि उनको अपने बेड पे आदत होती है सोने की।
अक्सर इस तरह से होता है कि हम कहीं वेकेशंस पे गए होते हैं, बहुत थके होते हैं, लगता है कि बस अब तो हम घर जाएंगे तो फौरन सो जाएंगे, और हम घर आते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको रिलेशनशिप आपके अपनी चीज़ों के साथ भी होता है। लेकिन फिर हमें रिलेशंस की क्यों ज़रूरत पेश आती है, वो क्या वजह है कि हम अपने रिलेशंस को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारी लाइफ में इन रिलेशंस की क्या इम्पोर्टेंस है? वो ये इम्पोर्टेंस है कि हमें रिलेशनशिप चाहिए होता है टू सॉलिसिट टू बी लव्ड एंड टू लव समबडी। और इसके लिए यही होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके खाली पार्टनर्स हों, वो आपके फ्रेंड्स होती हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली रिलेशनशिप हर एक के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका हल यही है, सिंपल सा हल है कि आप यू स्पीक अप, आप बात करें असर्टिवली, आप अच्छे तरीके से बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सारा दिन थकी हुई हैं, आपके हस्बैंड भी ऑब्वियसली, उनको भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो भी थक के आए हैं, लेकिन आप खाने का टाइम हुआ है, उसके बाद आप अपने हस्बैंड से कहें स्पीक अप, आप उनसे बात करें कि आप 10 मिनट्स के लिए मुझे, आप अगर बच्चों को या अगर आपका कोई छोटा बेबी है तो आप उनसे बात करें इन एन असर्टिव मैनर, नॉट एग्रेसिवली या रोब झाड़ के नहीं, आप उनसे डिस्कस करें कि आप 10 मिनट्स के लिए इसको संभाल लें। और मतलब ऑर्डर ज़रूरी नहीं है देना, आप उनको तरीके से बताएं कि आप इसको देखें, मैं थकी होती हूँ, मुझे बड़ा मैं अच्छा लगेगा कि अगर आप इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए देख लें तो ये है कि मुझे लगेगा कि आई एम एंजॉइंग। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका माय टाइम पूरे दिन में आया ही नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। आपका दिल चाहता है कहीं बाहर जाने का तो आप अपने हस्बैंड से कहें, बात करें कि मेरा दिल चाहता है हम कभी चलते हैं बाहर, उसकी प्लान आउट करें, उसकी स्ट्रेटजीज़ बनाएं। तो आपको बोलना है, आपको बात करनी है इन एन असर्टिव मैनर। अब हम अपने कमेंट्स की तरफ आते हैं। हमारे कमेंट्स में हमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वेरीज आई हैं वो टेबल मैनर्स की भी आई हैं, कि हम बताएं कि टेबल मैनर्स की क्या इम्पोर्टेंस है या क्यों वो ज़रूरी है। देखिए, टेबल मैनर्स जो हैं वो इट्स नॉट अबाउट कि आपने टेबल सेट कर दी, एंड इसमें हम ग्रेजुअली आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जब आपके गेस्ट आते हैं तो आप किस क्या रेसिपीज़ आपको या क्या मेन्यू की सिलेक्शन होनी चाहिए, रेसिपीज़ तो नहीं, मेन्यू की क्या सिलेक्शन होनी चाहिए और किस तरह से आपको प्रेजेंट करना चाहिए। आज हम जो आपको स्लाइड्स दिखाएंगे वो होंगी टेबल सेटिंग के मामले में, कि दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि एक ग्लास की प्लेसमेंट, कि ग्लास में हम अक्सर जो है हम लोग, अगर आप कभी रेस्टोरेंट्स में जाएं या फिर आप कभी अच्छी कोई टेबल की सेटिंग देखें तो आप उसमें अक्सर देखेंगे कि दो ग्लास रखे होते हैं, तो उन दो ग्लास का पर्पज़ क्या है, उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर होनी चाहिए, आज हम वो आपको उसकी स्लाइड दिखाएँगे। और दूसरी हम जो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि जब आप डाइन आउट करने जाती हैं, दो हैं ये, एक आपकी अपनी टेबल सेटिंग की और दूसरी है डाइन आउट की, जब आप डाइन आउट करने जाती हैं तो दो रूल्स के आप जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही हैं तो वहाँ पे आपके जो फोक और स्पून की जो प्लेसमेंट है वो उसका क्या मतलब होगा। एक प्लेसमेंट होती है जिसका मतलब होता है कि अभी आप कंटिन्यू कर रही हैं खाना तो आपकी फिर प्लेट नहीं उठाते वेटर्स, एक प्लेसमेंट होती है कि आप खाना खा चुकी हैं और उस पर फिर वेटर्स आपकी प्लेट्स उठा लेते हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, और उसकी मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ और उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसकी क्या ज़रूरत और किस वक्त होती है। इस प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अभी आप खाना खा रही हैं, तो जब आप फोक को और अपनी स्पून को इस प्लेसमेंट में रखती हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपका खाना कंटिन्यू है, और ये जो प्लेसमेंट है इसका मतलब है कि आप जो है अब खाना खा चुकी हैं। तो उसमें जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे वेटर्स को ये सिखाया जाता है और वो भी आपकी जब वो देखते हैं तो वो आपकी प्लेट उठा लेते हैं। इस ग्लास प्लेसमेंट में ये जो बड़ा वाला ग्लास है वो उसका मतलब है कि वो पानी के लिए है, जो सेकंड ग्लास है वो है आपके जूसेस के लिए, एक थर्ड ग्लास भी होता है जो आपकी फ्रिजी ड्रिंक्स होती हैं जिससे पेप्सी वगैरह इस तरह सेवन अप, तो इनके लिए होता है जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं, जो थर्ड ग्लास प्लेसमेंट भी अक्सर होती है, बट हम यूजुअली दो ग्लास प्लेसमेंट के साथ भी हमारी डाइन कम्प्लीट हो जाती है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और उम्मीद है कि आपको हमारे सेगमेंट सारे पसंद आए होंगे। इसी तरह हम ग्रेजुअली आपके कमेंट्स पे अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते रहेंगे और साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी आपको अच्छी एक ट्रेनिंग होगी जो आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में आपके काम आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मा सलामा।